जीवन में समस्याओं का दौर खत्म होना चाहिए। अब हमें सत्य का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। दुख दर्द और गमों से छुटकारा मिलना चाहिए। अब हमें खुशियां ही खुशियां और जीवन में शांति मिलनी चाहिए। हमारे कार्यक्रम से प्यार है तो अभी सब्सक्राइब करना चाहिए। मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे सभी प्रबुद्ध नवीन दर्शकों, स्वागत है आप सभी का जन्म कुंडली विश्लेषण के इस विशेष कार्यक्रम में। देश की नीति, वर्तमान की मोदी सरकार और जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, उससे ज्यादातर व्यवसायी यानी बिजनेसमैन लोग नाराज हैं। ऐसा मैं जब भी देश के बहुत अलग अलग जगह पर जाता हूं, जो बिजनेसमैन लोग हैं उनको ज्यादातर लोगों को परेशानी है, स्पेशली उन लोगों को जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनके मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, यानी कहीं माल फंसा, कहीं पैसे फंसे, बहुत सारे उनको लीगल कॉम्प्लिकेशन आ गई, उनको टैक्स की प्रॉब्लम आ गई, पैसा बच नहीं रहा है, कैश लिक्विडिटी कम हो गई, ये सारी तकलीफें हैं। तो क्या इन सब चीज़ों के पीछे सरकार की नीति है या वाकई में समय खराब चल रहा है? मेरा ऐसा मानना है कि 2 नवंबर 2014, आप ऐसे बहुत सारे लोग बिजनेस करते होंगे, 2 नवंबर 2014 के बाद से जब से शनि चेंज हुए हैं, वो हमारे देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करते गए। 24 जनवरी 2020 तक, जब तक शनि अपनी घर में नहीं पहुंच पाते धनु राशि से निकल कर मकर राशि में, तब तक ये जो 5-5.5 साल का टाइम है, ये ज्यादातर बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाना, थोड़ा सा तकलीफ में आने का कारण बनता है। मैं जिससे भी मिलता हूं उसको आंख बंद करके अगर मैं किसी बिजनेसमैन को कह दूं, पिछले 1.5-2 साल से ऐसा लग रहा है कि आप कुछ परेशानी में हैं, वो कहेंगे हाँ श्रीमाली जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशन हमारे समय खराब होने की वजह से है। व्यवसाय में अप्स एंड डाउन्स आना एक आम बात है और हर व्यक्ति फायदा कमाने के लिए बिजनेस करता है, लेकिन फायदा कमाया भी है। लेकिन आज जिस कुंडली का मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं, उसकी उम्र भी बताऊंगा और साथ में मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह व्यक्ति लोहे का मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे और पिछले 3 साल से लगातार आ रही गिरावट व्यापार में, जिससे पैसा ये मांगते थे वो आया नहीं और जिसको इन्हें देना था वो दे नहीं पाए, कमिटमेंट जो कुछ कमिटमेंट थे वो इज्जत की वजह से पूरे किए। एक बिजनेसमैन के लिए मार्केट में इज्जत सब कुछ होता है, क्योंकि इज्जत है तो कहीं से भी आपको 10-20 लाख करोड़ रुपए एक ब्रेड में आपके पास आ जाता है, और इज्जत नहीं है तो जो आपने उधार ले रखा है वो आपके सर पर खड़े रहकर निकाल के लेके जाएंगे। तो इज्जत होना बहुत जरूरी है। इन्होंने क्या किया कि जिससे पैसा मांगते थे वो समय पर नहीं आए, लेकिन खुद का मकान भी बेचकर इन्होंने अपने कमिटमेंट ज्यादातर पूरे किए। अब ये बहुत परेशान है, डिप्रेशन में भी, बिजनेस लगभग बंद के बराबर है, 45 साल और 8 महीने के व्यक्ति हैं। ये कहते हैं कि इस वक्त मेरे अंदर वो जोश और जुनून ही नहीं है जो पहले था, बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मैं रिस्क नहीं ले सकता नए बिजनेस की, क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए इनकी जन्म कुंडलिका का विश्लेषण करते हैं और जानते हैं कि क्या है इनके ग्रहों का खेल, क्या कर्ज खत्म होगा, नया बिजनेस शुरू होगा, पुराने को बंद करना चाहिए, इसी को चलाना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, या सब बंद करके हिमालय पर जाके हरि कीर्तन करना चाहिए कि अब मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो आइए इन्हीं चंद सवालों के जवाब ढूंढते हैं इनकी जन्म कुंडली के आधार पर और देखते हैं क्या है इनके ग्रहों का खेल। इस वक्त आप जो स्क्रीन देख रहे हैं 2 नंबर की वृषभ लग्न की कुंडली है, 2 नंबर की, बड़ा सुंदर राजयोग बनता है इसके अंदर, ऑटोमेटिक राजयोग है, कैसे बनता है वो भी बताऊंगा। या लग्न भाव के लॉर्ड बनते हैं शुक्र और वो 6th हाउस के बिलॉर्ड है रोग के, 3rd हाउस में केतु के साथ विराजमान है। लग्नेश जब भी केतु के साथ हो, 2 या 2 से ज्यादा बिजनेस शुरू करके इंसान बंद कर देता है। लग्न भाव में विराजित शनि की तीसरी दृष्टि भी केतु और शुक्र पर है। अब 2nd हाउस के लॉर्ड बुध, जो धन भाव है उसके लॉर्ड बुध बनते हैं, और बुध के बारे में मैं कई बार कह चुका हूं कि थावर कीजिए थापना, शनि जब आए तो कंस्ट्रक्शन करिए, बुध कीजिए व्यापार, जो बुध मजबूत हो तो इंसान को व्यापार करना चाहिए। यहां पर इनके 3rd हाउस के भी लॉर्ड, माफ करिएगा, 2nd हाउस के लॉर्ड भी बुध है और 5th हाउस के भी लॉर्ड बुध है, और बुध विराजमान है केंद्र में, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना रहे हैं। 4th हाउस में स्वग्रही सूर्य विराजमान है और 7th व 12th हाउस के लॉर्ड मंगल के साथ भी विराजमान है, या बुध आदित्य योग बनता है, सूर्य मंगल का पराक्रमी योग बनता है, ये प्लस पॉइंट है। और 4th हाउस में विराजित मंगल की चौथी दृष्टि व्यापार भाव पर है, जहां के लॉर्ड वो खुद हैं। तो देखिए बिजनेस हाउस में नीच राशि के चंद्रमा, इस पर हम बात करेंगे, तो चंद्रमा या कोई भी ग्रह जब व्यापार भाव में नीच राशि हो जाए तो आपके साथ नीचता होती है,
यानी पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, खर्चा और कर्जा, ये पांच बीमारियां लग जाती है। ये पांचों बीमारियां आपकी कुंडली में लगी हुई है क्योंकि साढ़े साथी भी आपको चल रही है। अब श्रीमान साढ़े साथी आपको चल रही तकरीबन 6 साल अपन पकड़ लेते हैं और आप परेशान हैं 2014 से, अभी चल रहा है 2018। तो ये सरकार या मोदी सरकार किसी और की गलती नहीं है। अगर ऐसा होता तो शेयर मार्केट आज डाउन होता, आज शेयर मार्केट सबसे अपने हाइट पर है, बहुत सारे लोग नए नए बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो हमें हमेशा अपनी खुद की गलतियों को किसी सरकार या दूसरों पर थोपना जायज नहीं है। यह आपके खुद के ही साढ़े साथ ही बिजनेस हाउस से चल रही है, इस वजह से ऐसी परेशानी हुई। 8th हाउस में विराजित गुरु की सातवीं दृष्टि भी सेकेंड हाउस धन भाव पर है, ये प्लस पॉइंट है। और 12th हाउस पर भी दृष्टि, जिस वजह से ऐसे लोगों का ना पैसे की वजह से कोई काम रुकता है और ना ही पैसा रुक पाता है। अभी नीच राशि का चंद्रमा आपको छोड़ेंगे नहीं। 11th हाउस के लॉर्ड गुरु 8th हाउस में स्वग्रही होकर विराजित है और 4th हाउस में विराजित मंगल की आठवीं दृष्टि भी 11th हाउस में है, यानी इनकम हाउस के लॉर्ड बृहस्पति स्वग्रही है और इनकम हाउस पर मंगल की दृष्टि है। ये दो ऐसे प्लस पॉइंट है जो सिर्फ एक टाइम भी ना परेशान है, ना तो किसी का अच्छा वक्त हमेशा रहा है ना बुरा वक्त रहेगा, इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। 3rd हाउस के लॉर्ड चंद्रमा 7th हाउस में नीच राशि के विराजमान है, बिजनेस हाउस में, और 9th हाउस में विराजित राहु की सातवीं दृष्टि भी 3rd हाउस में विराज 3rd हाउस पर है। यानी ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन आपके बनते हैं जिस वजह से आप बहुत टेंशन में हैं। अभी आपको शनि के साढ़े साथी का अंतिम चरण चल रहा है जो 24 जनवरी 2020 तक रहेगा। तुला लगन की वृषभ लगन की कुंडली में योग कारक ग्रह शनि बनते हैं, जो मैं पहले ही बता चुका हूं वो लग्न में विराजमान है, और शनि का ही बिजनेस आप कर रहे हैं, आयरन, केमिकल्स, पेट्रोल, ऑयल, बिल्डिंग मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, लीकर, कोल, प्रॉपर्टीज, मशीनरी, ये सारे शनि के बिजनेस है। तो आप तो लोहे का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, काम आपने गलत नहीं किया है, समय भी आपने सही चुना था, लेकिन आज आपका समय खराब चल रहा है और ये समय अभी खत्म होने वाला नहीं है। 24 जनवरी 2020 में इसमें भी एक प्लस पॉइंट आपके लिए ये बन सकता है कि 12 अक्टूबर 2018 को जब आपकी राशि में ही गुरु आ जाएंगे तो आपका कर्ज कम होगा, नई आपको टेंडर, नए कुछ प्रोजेक्ट मिलेंगे, नई कुछ चीजें मिलेंगी जिससे आपकी इनकम हो सके। और कर्ज मुक्ति आप कितने ही हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तब तक नहीं हो सकती जब तक लक्ष्मी प्राप्ति न हो। तो सिर्फ कर्ज मुक्ति का उपाय करना जायज नहीं है, लक्ष्मी प्राप्ति और कर्ज मुक्ति दोनों उपाय साथ में करने चाहिए इंसान को। वर्तमान में मंगल में ही मंगल का अंतर है जो 3 जून 2018 तक है, ये सामने है। आगे मंगल में राहु की दशा जो 21 जून 2019 तक है, तब तक आपको कष्ट और मिलेंगे, फिर गुरु आते ही सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। कुछ पॉइंट में नवमांश कुंडली का आपको बताता हूं जिससे स्थिति को और अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर यह मेष लग्न की कुंडली है, सेकेंड हाउस और 7th हाउस, यानी जो सेकेंड हाउस है वो धन का है और 7th हाउस जो बिजनेस का है, हमारी प्रॉब्लम बिजनेस की है, उसके लॉर्ड 8th हाउस में विराजमान है और 3rd हाउस के लॉर्ड बुध के साथ विराजमान है लक्ष्मी नारायण योग। तो निश्चित मानिए कि आप व्यापार के लिए ही पैदा हुए, सिर्फ एक समय खराब आया है। दुनिया में हमारे जिंदगी कुछ चैप्टर्स में आती है, बचपन का चैप्टर अलग है, जवानी का, उसके बीच में किशोर अवस्था का चैप्टर है, फिर बिजनेस और प्रोफेशन का चैप्टर है, मैरिड लाइफ का है, खुद के बच्चे होते हैं, विदेश आते हैं, अलग अलग चैप्टर है। तो ये तकलीफ का चैप्टर चल रहा है आपका, वो खत्म हो जाएगा। 4th हाउस में विराजित केतु की पांचवी दृष्टि भी 8th हाउस पर है। इधर 11th हाउस जो कि इनकम के होते हैं उसके लॉर्ड बनते हैं शनि, और आप शनि का ही काम करें, वो 2nd हाउस में जो बृहस्पति विराजमान है और 6th हाउस में विराजमान है शनि। गुरु की पांचवी दृष्टि शनि पर है, ये गुरु आपको बचा लेगा, आप काम बिल्कुल शनि का कर रहे हैं, परफेक्ट कर रहे हैं, कोई चिंता फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपका समय थोड़ा सा खराब चल रहा है। इसके लिए मैं अब आपको कुछ उपाय बता रहा हूं, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है कि आपका कर्ज 24 जनवरी 2020 से पहले आप भूल ही जाएं कि आपको कर्ज मुक्त हो सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कर्ज और आपका बढ़ेगा, ये तय है। इसके लिए अगर आप दिन भर कर्जे के बारे में सोचते रहेंगे तो बढ़ता रहेगा, घटेगा नहीं। आप अपनी पूरी एनर्जी, इंटेलिजेंस और जितना भी आपके अंदर कैलिबर है वो सारा आपको इनकम पे लगा देना चाहिए कि मैं जरूर नहीं कि इसी काम से करूं, मैं किसी और सोर्स से कैसे इनकम डेवलप कर सकता हूं। वो आपसे 3 महीने तक शुरू कर दीजिए और फिर 12 अक्टूबर के बाद गुरु चेंज होते ही आपको अपने आप ही डिफरेंट सोर्सेज से इनकम आने लग जाएगी, कर्ज कम होने लग जाएगा, चिंता दूर होकर चिंतन में पहुंच जाएंगे, और इधर 2020 आने के बाद आप निश्चित रूप से अपनी तरक्की को प्राप्त कर लेंगे। इस वक्त मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं जिनका सहारा तत्काल लिया जाना चाहिए। एक तो कर्ज मुक्ति का अनुमान प्रयोग करें, पत्नी को बोलिए वैभव लक्ष्मी के व्रत करें,
साथ में श्री सूक्त का पाठ करें और आप खुद हो सके तो सुमेरु पृष्ठ कूर्माकार श्रीयंत्र की पूजा करें और एकल शक्ति कवच को गले में धारण करें, हनुमान जी और शनिदेव की नित्य आराधना करें। 6 महीने बाद वापस संपर्क करिए, आपको पता आप खुद ही बताएंगे कि पहले से मेरी जिंदगी काफी हद तक बेटर हुई है। तो ये था इनकी जन्म कुंडलिका का विश्लेषण। क्या आपको गुरुदेव सुरेश हिमानी जी से मिलने का समय चाहिए? क्या आप वर वधु की कुंडली का मिलान करवाना चाहते हैं? या फिर सुरेश हिमानी जी से फोन पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं? साथ ही श्रीमानी जी की यात्राओं एवं उनके प्रवास की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं तथा गुरुदेव द्वारा बताई गई सभी तरह की साधनाओं तथा पूजन सामग्रियों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं? अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0291-243-2625, 9829-02-6625, 8955-89-6625। संपर्क करें 9779801032862।